बना दीजिए आप साइड में, साइड में साइड होंगे सर, खड़े होके अच्छा लग रहा है। एक व्यक्तित्व और ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, तो जब मुझे जानकारी थोड़ी सी मिली कि शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, मुझे दुत्कारा जाएगा, मुझे छोड़ा जाएगा, तो फिर मैंने अपने लिए जगह तलाशी कि कहीं मुझे भी सर छुपाने की जगह होनी चाहिए, सर ढकने की जगह मिलनी चाहिए। तो मैंने अपने पुराने घर को ही उचित समझा, चलो वहीं पर ही सर छुपाया जाएगा। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने पुराने साथी और अपने पिताजी के साथी की अच्छी पहचान की और पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कोर कसर नहीं रखी और सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा था, लगे के लोग हैं, बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा था। नहीं, सम्मान था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी या कमी हो जाती है, ये तो मानव स्वभाव होता है। बीजेपी में तो ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान मिला जिन्हें न मिलना चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों को अपमानित किया गया जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए। घर वापसी पर कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जैसे आप चले जाओ कलकत्ता, बम्बई या विदेश चले जाओ, कितना अच्छा लगता हो विदेश में। लेकिन यार कच्चा मकान वाला भी घर हो तो वापसी आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। कार्यकर्ता भी आपके साथ जा रहे हैं जो इससे पहले थे आपके? देखिए, ऐसा है कि बांदा के रैली में, बांदा में एक रैली, मेरा ख्याल है कि डेट जल्दी मिल जाएगी, उसमें गठबंधन की रैली होगी। तो मुझे उम्मीद यह है कि 10,000 से ज़्यादा मेरे साथी और मेरे समर्थक उस दिन गठबंधन और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। भाजपा छोड़ के? अब वो कोई भी छोड़े, एक सवाल और पूछ, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरे सहयोगी सब भाजपा में हैं। अच्छा सर, कोई आवश्यक नहीं है कि मेरे सहयोगी कांग्रेस में, मेरे सहयोगी जो जहां होगा वो सब आवेगा और मेरे साथ, मैं तो है ही हूं, और मेरे समर्थन में समाजवादी पार्टी को समर्थन देगा और गठबंधन के साथ गांठ जोड़ेगा। बीजेपी को हराने के लिए कितना आप? अच्छा, क्योंकि 5 साल आप रहे भी हैं, सारी पोल तो जानते हैं। जीतने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं किसी को हारने जीतने की ठेकेदारी नहीं लिया। 5 साल आप उसमें थे बीजेपी के साथ, क्या अनुभव था आपके? बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन बाद में बिगड़ गई, तो कोई क्या करे। क्या खराबी थी? क्या खराबी बाद में? बाद में तो अब देख ही ना, 2 साल के अंदर क्या हो गया पार्टी को। बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी थी ही नहीं, और आज बीजेपी की पार्टी ऐसे ऐसे लोगों से, जैसे गंगा नदी कितनी पवित्र है, गंगा नदी कितनी अच्छी है, नालों ने बर्बाद किया ना, किसी ने बर्बाद नहीं किया। इसीलिए भाजपा में भी ऐसे ऐसे नाली नाले, ऐसे ऐसे लोग आ गए कि भाजपा की उत्तमता, भाजपा की उज्ज्वलता उसको बदल। अच्छा, पिछली बार मोदी जी की लहर थी, इस बार लग रहा कुछ आपको? इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी की लहर थी और मैं भी मोदी जी की ही लहर में जीता हूँ, मैं अपने से नहीं जीता था। इस बार उम्मीद है कुछ? अभी भी है, अभी आप ये तो देखिए, ये तो आप पता लगाइए बाजार में, मैं नहीं जानता मेरे घर के अंदर लहर है कि नहीं है। मैं गटर और नाली नाले के रूप में मैंने एक उदाहरण दिया, गंगा कितनी पवित्र है और गंगा की पवित्रता को गंदी नाली नालों ने ही तो अपवित्र कर दिया। तो उसी तरह से भाजपा भी बहुत बढ़िया पार्टी है, थी, लेकिन यार कुछ ऐसे ही गंगा जी की तरह का उदाहरण वहाँ भी लागू। अच्छा सर, आप 5 साल बीजेपी में रहे, सांसद रहे हैं, तो सारी आपको चीजें पता होगी, कहाँ से क्या हमला करना है, कहाँ से क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, मैं राजनीति शौक के लिए करने लगा हूँ, मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, हारा भी हूँ जीता हूँ तो वो अनुभव मुझे हो गया है, हारने का भी जीतने का भी। हारने में मैं न दुखी होता हूँ, जीतने में न बहुत अति खुशी होता हूँ। एक साधारण एक जीवन की तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मैं लेता हूँ। एक सेवा की भावना थी मन के अंदर, लोग मंदिर मस्जिद जा करके पुण्य कमाते हैं, तो मैंने मेरे मन में आया था कि राजनीति के माध्यम से ही सेवा करके पुण्य कमाया जाए, इस उद्देश्य से कर रहा हूँ मैं। बाकी
कोई तक किसी और किसी तरह का मेरा स्वार्थ नहीं। अच्छा, आपके बेटे ने ये कहा था कि हम अलग लड़ेंगे, सेल्फ लड़ेंगे, तो क्या आप साथ आएंगे? बेटे से बात करो, मेरी बात मुझसे करो। आपके साथ आएंगे वो? मैं वही तो मैंने कह दिया, बेटे से बात करो, उन्हीं से पूछिए।